वीडियो को पूरा देखो, वरना आलोक वाली सर्टिफिकेट तुम्हें मिल जाएगी। सो हे गाइस, हाय, दिस इज ऑन स्पॉट एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑन स्पॉट ईस्पोर्ट्स। सो गाइस, आज के वीडियो में अपन लोग बात करेंगे एक इमोट राइवलरी के बारे में। अब जो कि देखने को हमें मिल रहा है टीम गॉड लाइक एंड टीजी टाइकून्स के बीच में। अब यहाँ पर इमोट राइवलरी को अपन लोग अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे। देखो, इमोट राइवलरी एक मेन बात नहीं है कि ऐसी बड़ी बात भी नहीं है, बट उस राइवलरी से मैं तुम्हें इतनी चीजें सिखाऊंगा जो तुम्हें लगेंगे यार हाँ, ये बातें हमने पहले कभी नहीं बोला था। और हाँ, जो भी बंदे ये सोच रहे हो कि इमोट एक गेम का पार्ट है एंड जस्ट इग्नोर इट, यार देखो तुम लोग के लिए एक वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तुम्हें इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखो, सीधा सीधा बोलता हूँ, इस वीडियो का मतलब किसी को हेट देना नहीं है। अगर किसी को बुरा लग रहा है, उखाड़ लेना जो उखाड़ना है। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट इनटू द वीडियो टॉपिक ऑफ लेसंस फ्रॉम दिस इमोट राइवलरी बिटवीन गॉड लाइक एंड टीजी टाइकून्स। तो ये जो मैच है, ये है बुया महासंग्राम की, एंड इसमें पहले के दो राउंड एकदम आराम से निकल गए थे, कोई गड़बड़ हमें नजर नहीं आई थी, बट थर्ड मैच में अपनी आती है गड़बड़। अब यहाँ पर होता क्या है कि कलाहारी का मैप था एंड इसमें टीजी टाइकून्स एंड गॉड लाइक यहाँ पे सेम ड्रॉप पॉइंट पे आ जाती है कमांड पोस्ट पे, तो यहाँ पर दोनों ही टीम की हो जाती है क्लैश लैंडिंग। इसी के साथ देखो, तुम्हें पता होगा क्लैश लैंडिंग होती है तो यहाँ पे 50-50 का चांस बनता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सियोरिटी नहीं होता किस टीम को गन मिलेगा किस टीम को नहीं। ऐसा भी हो सकता है किसी टीम को बिल्कुल गन मिल जाए एंड किसी को बिल्कुल भी ना मिले। अब ऐसा हुआ टीजी अपने टीजी टाइकून के साथ। अब उस वाले मैच में टीजी डिलीट भी खेल रहे थे, तो हुआ क्या कि यहाँ पे जो टीजी टाइकून के जो लिखू थे पहले, वो एक छोटे से घर को लूट करने के बाद गए अपने बड़े वाले उड़न हाउस। वहां पे जाने के बाद वहां पे ऊपर ऑलरेडी सीएम बैठे हुए थे एंड सीएम ने वहां पे हेडशॉट के साथ यहाँ पे लिखू को पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया। अब बात करेंगे वार गॉड की, यार देखो वार गॉड यहाँ पे टावर पे आ गए थे, यहाँ पे फायर आउट देने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर भी यहाँ पे जो गॉड लाइक के प्लेयर थे क्रोनो लगा के यहाँ पे वार को वहाँ पे डाउन कर लिया गया एंड वहीं पे भी फिनिश आउट कर दिया गया। बट यहाँ पे होता क्या है कि टीजी डिलीट एंड टीजी रोहित बच गए थे, दो प्लेयर्स अपनी टीम से। अब देखो, वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं बैकअप ले लेते हैं एंड इसी की वजह से कमांड पोस्ट से निकलने की तैयारी करते हैं। अब ये हो गया था 2v4 का मैच। तो यहाँ पर होता गया कि टीजी रोहित को यहाँ पे पहले स्पॉट कर लिया जाता है एंड आकाश यहाँ पे टीजी रोहित को डाउन कर लेते हैं, फिर गिनोत्रा यहाँ पे टीजी रोहित को इमोट दिखा रहे होते हैं ग्लूवल लगा के। बट इसी के साथ टीजी डिलीट निकलने में सक्षम रहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको स्पॉट कर लिया जाता है अबे एंड सीएम के द्वारा। तो होता क्या है कि गाड़ी लेके उनके पीछे पीछे जाते हैं एंड उनको स्पॉट आउट करके फिनिश आउट कर दिया जाता है। अब यहाँ पर टीजी टाइकून्स हो चुकी है एलिमिनेट, फिर यहाँ पर खूब इमोट दिखाया जाता है गॉड लाइक टीम की तरफ। तो यार फिर आता है अपना नेक्स्ट राउंड बरमूडा का, बरमूडा मैप था, तो यहाँ पर जो अपनी गॉड लाइक टीम है वो यहाँ पर उतरती है ऑब्जर्वेटरी पे, तो टीजी टाइकून्स भी उधर ही उतरी। बट एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा, कहीं ना कहीं इनकी जो लैंडिंग थी वो यहाँ पर थोड़ी बहुत स्प्लिट हमें नजर आई। एंड इसके बाद होता क्या है कि यहाँ पर टीजी टाइकून्स जो थी वो इजिली यहाँ पे पहले एक बंदे को गिनोत्रा को स्पॉट आउट किया गया एंड वहां पर फिर दोनों बंदे मिलकर उनको पूरी तरीके से वाइप आउट कर दिया गया गिनोत्रा को। बट वाइप आउट तो किया गया बट उसी के साथ इमोट भी दिखाया गया, पहले इमोट उसके बाद वाइप आउट। एंड ऑब्जर्वेटरी के बीच में जो एक टनल होता है वहां पर अभय को स्पॉट कर लिया गया लिखी के द्वारा एंड इसी के साथ अब लिखी पीछे से जाके अभय को हेडशॉट के साथ नॉक कर दिया एंड उसके बाद ऊपर की तरफ पहाड़ के ऊपर पे आ गए एंड सीएम को यहाँ पे स्पॉट कर लिया गया था एंड इसी के साथ सीएम को भी वहां पे हेडशॉट के साथ डाउन कर लिया गया। बट वहीं पे तो यार इतने में अभिनीत आके अभय को इमोट दिखाने लग गए। बट वहीं पे बात करेंगे वार की, तो वार यहाँ पे पहाड़ के ऊपर वाली साइड पे आ गए थे एंड आकाश को यहाँ पे स्पॉट कर लिया गया था भागते हुए बैकअप लेते हुए। यहाँ पर आकाश के ऊपर लगातार यहाँ पे फायर आउट देने की कोशिश की गई वार की तरफ से एंड ब्लू वॉल भी लगाई गई काफी ज्यादा, बट यहाँ पर फाइनल यहाँ पे एलिमिनेट कर लिया गया आकाश को। इसी के साथ गॉड लाइक भी एलिमिनेट हो जाती है एंड उसके बाद टीजी टाइकून्स काफी ज्यादा इमोट दिखाती है गॉड लाइक को। तो यार इस मैच के बाद काफी सारे बंदे ये जज करने लग जाते हैं ये टीम अच्छा है ये टीम खराब है। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, ऐसे जज मत किया करो। कोई भी टीम यहाँ पर अच्छा खेलेगी बुरा खेलेगी वो बाद में डिपेंड करेगा, बट यहाँ पर पहली चीज जो डिपेंड करती है वो है लूट। क्योंकि यार वेल एक्सपीरियंस की बात करें, दोनों ही टीम वेल एक्सपीरियंस्ड है, दोनों ही टीम के प्लेयर्स गजब है एंड दोनों ही टीम अच्छा खेलती है और परफॉर्म भी अच्छा करती है। बट यहाँ पर बात आती है लूट की। देखो यहाँ पर क्लैश लैंडिंग हो गई पहली बात। अब यहाँ पर पहली वाली टीम को जो अपनी गॉडलाइक टीम थी, गॉडलाइक को यहाँ पे गन्स वगैरह मिल गए इसलिए उन्होंने मौके का फायदा उठाया एंड टीजी टाइकून्स को वाइप आउट कर दिया। और अगर बात करें फोर्थ नंबर मैच यानी कि जो तुम बरमूडा वाला मैच था, तो उसकी अगर बात करें यार देखो यहाँ पर थोड़ा स्प्लिट नजर आया टीम के अंदर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन का लैग हमें नजर आया, बट कोऑर्डिनेशन के मामले में दोनों ही टीम परफेक्ट है, तो ऐसी कोऑर्डिनेशन के मामले में हम कुछ नहीं बोल सकते। बट यहाँ पर अगर बात करेंगे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हमें स्प्लिट नजर आए थे, क्योंकि जो लैंडिंग हमें नजर आई थी मैप में तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्प्लिट हमें नजर आई थी एंड इस केस में टीजी टाइकून्स इसका जरूर से फायदा उठाना चाहिए एंड वो उठाई भी। अब बात रही इमोट की, अब देखो इसके बारे में तुम्हें थोड़ी गहराई में बातें बताऊंगा जो कि तुम्हें हर एक बंदा नहीं बताता। तुम्हें ऐसे नॉर्मली सुनने को मिलता होगा कि यार इमोट एक गेम का पार्ट है, तू दिखा दिया तो क्या फर्क पड़ता है, नहीं है इमोट दिखा दिया तो उसको नॉर्मली लो। अबे देखो तुम एक प्लेयर के पर्सपेक्टिव से देखो, तुम एक कंपटीटर हो, सामने वाली टीम तुम्हारे साथ कंपीट करने आई है, अगर तुम उसको नॉर्मली लोगे तो ये तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगी। भाई मैं यहाँ पर तुम्हें भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें कंपटीटर माइंडसेट से सोचो, अगर तुम एक व्यूअर हो, अगर तुम देख रहे हो तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, तुम्हें एक कंपटीटर माइंडसेट लेके चलना है। अगर तुम उस मैच पे
खेल रहे हो, अगर तुम एक व्यूअर हो, कहीं पे बैठ के मैच देख रहे हो, नहीं कुछ नहीं करना लेना देना, हाँ तुमको बस मजा लेना है, ये टीम ने उसको इमोट दिखाया, ये टीम ने उसको इमोट दिखाया, तो खत्म, वही पे बात खत्म। बट मेरी बात को ध्यान से समझो, और समझने वाले समझ गए होंगे, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना ही तो बोल रहा था वीडियो में। बट किसी को हेट मत दो, अगर तुम एक व्यूअर हो, अगर तुम मैच देख रहे हो, खेल नहीं रहे हो, किसी को हेट मत दो यार, ऐसे करके हेट मत दो कि ये टीम नूब है, वो टीम नूब है, खेल नहीं पाती। अब तुम उस चीज को कैसे यूज करोगे वो मुझे तुम्हें बताने की और जरूरत नहीं है, तुम आई थिंक समझ गए होगे, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे यार, वीडियो में बस इतना ही था एंड यही बोलने के लिए आया था। एंड टूर्नामेंट की रिगार्डिंग एंड टूर्नामेंट एनालिसिस के रिगार्डिंग में काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड उसी के साथ एनालिसिस भी देखने को मिल जाएंगे, तो चैनल पे जाके वॉच आउट कर सकते हो एंड जिसको देख के तुम अपनी गेम प्ले स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो यार मैं मिलता हूँ किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।